दुर्ग पुलिस द्वारा आगामी गणेश पर्व एवं त्योहार सीजन को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए शहर का भ्रमण कर बेहतर पार्किंग व्यवस्था को लेकर लोगों को समझाइश दी। दुर्ग पुलिस द्वारा आगामी त्योहार को देखते हुए आम नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसे लेकर सोमवार को देर शाम स्थानीय बाजार सहित शहर का भ्रमण कर बेहतर पार्किंग व्यवस्था को लेकर लोगों को समझाइश दी। इस दौरान दुर्ग पुलिस की टीम द्वारा मोहन नगर कोतवाली थाना पुलगांव पद्मनापुर के क्षेत्र का भ्रमण कर आम जनता को पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ व्यापारियों को सही जगह पर वाहन पार्किंग की समझाइश दी गई, जिससे यातायात सुविधा सुचारू रूप से चल सके। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में दुर्ग शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे आने वाले समय में आम नागरिकों के साथ त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आसपास के इलाकों में जितने भी गुंडे बदमाश रहते हैं या आसपास में जितने भी अड्डेबाजी होती है उन जगहों पर चेक करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में हमारे सब डिवीजन के सभी थानेदारों द्वारा मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला गया था और उन जगहों पर दबिश दी गई थी जहाँ पर अपराधी तत्वों के लड़के घूमते फिरते रहते हैं या फिर इलीगल गतिविधियाँ करते रहते हैं। आगे त्योहारी सीजन को देखते हुए आम जनता से हम अपील करना चाह रहे हैं कि अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे, गाड़ियों को व्यवस्थित लगाएंगे और कहीं भी बाहर जा निकल रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं तो क्योंकि अभी बहुत अधिक भीड़ वाला एरिया है तो गाड़ियों को आप किनारे में लगाएं या पार्किंग वाले ही एरिया में ही लगाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।